गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने हिंदी पाठ्यपुस्तक के पार्ट एक मेरी भावना का कुछ अंश हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत कवि ये बता रहे हैं कि सबका हित हो और किसी का भी अहित न हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, उसके आगे ही हम कविता को पढ़ रहे हैं। समझे आप? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पाए। यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कोई बुरा कहे या अच्छा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में मैं हमेशा संभाव रहूँ, यानी कि हमेशा मैं एक जैसा ही व्यवहार करूं। ये कह रहे हैं कि कोई बुरा कहे या अच्छा, कोई मेरी निंदा करे चाहे मेरी प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या जाए, लक्ष्मी आए या जाए, मैं भले निर्धन हो चाहे धनवान हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं हमेशा एक सा ही व्यवहार करूं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मगर मेरे मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं आए, गलत व्यवहार में किसी भी प्राणी के साथ में मैं नहीं करूं। फिर है, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डगने पाए। तो यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि अथवा कोई भी मुझे डर से धमकाए और अपना काम बनवाना चाहे, गलत कार्य करवाना चाहे, तब भी मैं नहीं करूं, नहीं कोई मुझे लालच देकर के गलत कार्य करवाए तब भी मैं नहीं करूं, कोई भी न्याय मार्ग से मेरा पग कभी न डगने पाए। पग का मतलब होता है कदम, तो मेरे कदम हैं वो गलत मार्ग से कभी भी नहीं, गलत मार्ग की तरफ प्रेरित नहीं हो, न्याय मार्ग से मैं कभी भी विचलित नहीं हूँ। ये उन्होंने बताया कि भले कोई मुझे डर बताए, लालच दे, मगर मैं न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हूँ। आगे बता रहे हैं, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराएं। ये यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि मैं सुख में फूलों नहीं, फूला नहीं समाऊँ, अर्थात मैं अत्यधिक प्रसन्न नहीं हूँ, और दुख में कभी न घबराऊँ, यानी कि हर परिस्थिति में, सुख चाहे दुख हो, मैं हर परिस्थिति में संभाव रहूँ, एक सा व्यवहार करूँ। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवे से नहीं भय खाए। ये यहाँ पर नहीं शब्द है वो किताब में भी गलत छपा हुआ है, वास्तव में नहीं शब्द इस तरीके से लिखा जाता है शुद्ध रूप में, तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर यदि लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये हमें ध्यान रखना है। नहीं इस तरीके से बड़ी की मात्रा होती है। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी, अटवी का मतलब होता है जंगल। अटवी का अर्थ होता है जंगल। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं पर्वत अर्थात पहाड़, नदी शमशान भयानक अटवी अर्थात जंगलों में भी से भी मेरा मन नहीं घबराए, अर्थात मैं किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हूँ एक सा ही व्यवहार करूँ। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जाए। रहे अडोल, बिना डुले अर्थात बिना ये उसी तरीके से निडर होकर के रहे, अकंप निरंतर, अकंप यानी कि बिना कंप के, बिना कंपायमान होकर के, बिना डरे निरंतर एक सा ही रहे, यह मन दृढ़तर बन जाए। दृढ़तर यानी कि कठोर, मजबूत, दृढ़तर का मतलब है मजबूत, तो मेरा मन है वो बहुत ही मजबूत हो, यानी कि किसी भी परिस्थिति का वो सामना कर सके। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाए। यहाँ पर आपके पूछा जा सकता है, इष्ट और अनिष्ट ये दोनों विलोम शब्द हैं। इष्ट का मतलब जो हमारा प्यारा होता है, और अनिष्ट यानी कि जो हमारा प्यारा नहीं है वो कहलाएगा। तो इष्ट वियोग
वियोग का मतलब होता है, ये दोनों आपस में विलोम शब्द, इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट और वियोग का योग। वियोग का मतलब होता है बिछोड़ना, वियोग का अर्थ होता है बिछोड़ना और योग का मतलब होता है मिलना, ठीक है ना। तो अब सुनिए, इष्ट वियोग यानी प्यारे जो हमारे स्नेही व्यक्ति हैं उनसे बिछोड़ना, और अनिष्ट योग, अनिष्ट जो कि जो हम चीज़ नहीं चाहते हैं उसका होना, उसका मिलना, इनमें सहनशीलता दिखलाए। हम ऐसी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो कि जो हम नहीं चाहते वो कार्य हो रहा है और जो हमारे प्यारे हैं उनका बिछोड़ना हो रहा है। अब वर्तमान परिस्थिति जो कोरोना काल चल रहा है इसमें ऐसा कई लोगों के साथ में घटित हो रहा है, तो उन परिस्थितियों में हमें सहनशीलता दिखलानी चाहिए। आगे कहा गया है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। यही यहाँ पे कवि मंगलाचार से कामना कर रहे हैं, मंगलाचार करते हुए कि सुखी रहे सब जीव जगत के, सभी प्राणी जो संसार के हैं वे सभी सुखी रहें, कोई कभी न घबराए, कोई भी कभी भी घबराए नहीं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। मतलब ये बैर पाप और अभिमान ये सभी क्या हैं, ये सभी दुर्गुण हैं। बैर पाप अभिमान ये सब दुर्गुण कहलाते हैं, बुरे गुण कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि इन सब बैर दुश्मनी पाप और अभिमान ये सब दुर्गुणों को छोड़ करके सभी प्राणी नित्य नए, हमेशा, नित्य का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा मंगल गीत गाए, शुभ गीत गाए, सबके भलाई के गीत गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। घर घर चर्चा रहे, घर घर में धर्म की चर्चा हो, जैसे यहाँ पर भगवान की प्रार्थना की जा रही है, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुष्कृत दुष्कर हो जाए। दुष्कृत जो बुरे कर्म है, दुष्कृत का मतलब होता है बुरे कर्म, वो दुष्कर, दुष्कर का मतलब है कठिन हो जाए, यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दे कि ये गलत काम कर रहा है, ऐसा बहुत कम हो, है ना। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सफल पाए। तो ज्ञान चरित, ज्ञान का चरित्र, ज्ञान रूपी जो चरित्र है वो उन्नत कर जाए सबका ज्ञान। ये कहा हम पढ़ते हैं ना, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हम ज्ञान के प्रकाश की तरफ जाएं तो उससे हमारा जीवन उन्नत होगा और मनुज जन्म सफल बन जाए। और मनुज का मतलब है मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाए। ये इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो मनुज जन्म सफल हो जाए। तो ये हम इतने सुकृत अच्छे काम करें कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो इतने कठिनाइयों से मिला है वो हमारा सफल हो जाए। इसी कविता को संस्कृत के एक श्लोक में बताया गया है, उसको आपको सुना रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी व्यक्तियों का कल्याण हो, सभी रोग रहित और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद आपको। ये कविता आप याद करेंगे।